नमस्कार, मैं हूं गौरव बैनर्जी और सत्यमेव जयते में आज एक बहुत बड़ा खुलासा। देश के इतिहास में पहली बार भारत के 3 सांसद बिना परीक्षा दिए ही 10वीं की परीक्षा में आज पास हो गए। जी हां, ये इतिहास बना है आज ही के दिन जब 3 सांसद ग्रेजुएट होते हुए भी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में पास हो गए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन 3 सांसदों ने ना तो बोर्ड का पर्चा भरा था और ना ही वो परीक्षा बैठे थे, लेकिन फिर भी हो गए पास। पेश है स्टार न्यूज और कोबरा पोस्ट का ये आंखें खोल देने वाला सनसनीखेज खुलासा मास्टरमाइंड। फर्जी रजिस्ट्रेशन, फर्जी एडमिट कार्ड और फर्जी स्टूडेंट लेकिन इम्तिहान के नतीजे बिल्कुल असली। जी हां, 3 सांसद आज यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में कुछ ऐसे पास हो गए। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में होने वाले गोरख धंधे का खुलासा देश के सामने करने के लिए हमने सांसदों को स्टूडेंट बताकर नकल के दलालों से सौदा किया। सौदा करने वालों को तो पैसे से मतलब था, लिहाजा उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया कि 3-3 सांसद हो गए बड़ी आसानी से पास। आइए देखते हैं स्टार न्यूज और कोबरा पोस्ट के ऑपरेशन में आज कैसे खुल गई यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की असलियत। ये है कांग्रेस सांसद और स्टील कारोबारी नवीन जिंदल। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल की तस्वीर चस्पा है यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के एक एडमिट कार्ड पर। कार्ड पर उनके माता पिता का भी नाम दर्ज है। तो क्या नवीन जिंदल ने इस बार हाई स्कूल की परीक्षा दी है? और हरियाणा नहीं, यूपी के फर्रुखाबाद से, वो भी तब जब पहले ही वो एमबीए पास है। और ये है बैजयंत जय पांडा, ये उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं। इनकी भी फोटो लगी है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं की परीक्षा के एनरोलमेंट और एडमिट कार्ड पर। इस पर बैजयंत के माता पिता का नाम भी दर्ज है। तो क्या विदेश से तकनीकी शिक्षा में डिग्री लेने वाले बैजयंत ने भी इस बार 10वीं की परीक्षा दी? और तीसरे हैं मुंबई के लोकप्रिय युवा सांसद मिलिंद देवड़ा। मिलिंद के पिता केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा हैं। मिलिंद का नाम भी यूपी बोर्ड के इस एडमिट कार्ड पर दर्ज है। आखिर बीबीए की डिग्री होते हुए मिलिंद को क्या जरूरत पड़ गई यूपी के फर्रुखाबाद से हाई स्कूल करने की? दरअसल ये काली करतूत है यूपी के नकल माफिया की। ये कारस्थानी है चंद पैसों के लिए 3 सांसदों के नाम एडमिट कार्ड जारी करने वाले जालसाजों की। ये कारगुजारी है तालीम के उन दलालों और ठेकेदारों की जिनका नेटवर्क पैसे खाकर इन 3 सांसदों के नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुका है। आइए अब देखते हैं कि ये 3 सांसद पास हुए या फेल। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम इंटरनेट पर आ चुका है और एक एक करके हम दिखाने जा रहे हैं 3 के इम्तिहान के नतीजे। पहले डालते हैं नवीन जिंदल के एडमिट कार्ड पर लिखा रोल नंबर। नंबर है 1292784। लीजिए, इन्होंने पास कर ली है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा। 600 में से 304 नंबर यानी सेकंड डिवीजन। और यह है बैजयंत जय पांडा का रोल नंबर यानी 1287343। और इन्होंने भी पास कर ली है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा। इन्हें मिले हैं 600 में से पूरे 272 अंक यानी सेकंड डिवीजन। और अब बारी है मिलिंद देवड़ा की। मिलिंद के एडमिट कार्ड के मुताबिक उनका रोल नंबर है 1292760। इन्हें मिले हैं 600 में से 303 नंबर यानी वो भी पास हुए हैं सेकंड डिवीजन से। यानी 3 सांसद पास, जिन्होंने परीक्षाएं दी ही नहीं वो पास भी हो गए। ये मिसाल है कि किस तरह से बिना तथ्यों की जांच किए धड़ल्ले से बनाए गए एडमिट कार्ड और करवाई गई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं। हम संसद की गरिमा का सम्मान करते हैं और नकल के खिलाफ अपने ऑपरेशन में हमने इन सांसदों के नाम का सहारा लिया सिर्फ एक सच को सामने लाने के लिए। ये वो बड़े नाम है जिससे देश के लोग वाकिफ हैं,
लेकिन आंख पर लालच की पट्टी पड़ी हो तो भला कैसे दिखाई पड़ेंगे नाम। नकल के ठेकेदारों और शिक्षा के पहरेदारों ने स्कूलों से साठ गांठ करके बुना है ऐसा जाल जिसमें होनहार छात्रों का भविष्य उलझ कर रह गया है और नकल माफिया के हाथ की कठपुतली बन गया है यूपी का बोर्ड। स्टार न्यूज के लिए कोबरा पोस्ट संवाददाता के आशीष की रिपोर्ट। यूपी बोर्ड की दसवीं की परीक्षा दिलाने के लिए तीनों सांसदों को पहले पैसे के लालच से पहले तो बना दिया गया स्कूल का स्टूडेंट और जब बोर्ड से उनके नाम का एडमिट कार्ड बनकर आ गया तो नकल के ठेकेदारों ने फोटो बदलकर किसी और से दिलवा दी उनके नाम पर दसवीं की परीक्षा। हम बता दें कि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में हमारा मकसद इन सांसदों पर सवाल उठाना नहीं था, ना ही सांसद के किसी भी ऊपर किसी भी तरह का सवाल उठाना था। हमने बड़े नामों का सहारा यहां पर सिर्फ इसलिए लिया है जिससे कि सामने आ सके कि किस तरह से कितनी आसानी से चल रहा है ये गोरख धंधा कि बड़े नाम देखकर भी किसी की आंख नहीं खुलती, सिर्फ पैसे का इंतजार रहता है। नकल के खिलाफ हुए हमारे इस ऑपरेशन मास्टरमाइंड में तीन सांसदों को नकल के ठेकेदारों ने बिना परीक्षा दिए ही करवा दिया पास। माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा 2007 के तीन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र का ब्यौरा, रजिस्ट्रेशन नंबर 320-3254, परीक्षार्थी का नाम नवीन जिंदल, विद्यालय और परीक्षा केंद्र लाल बहादुर सिंह इंटर कॉलेज कनकापुर फरुखाबाद और रोल नंबर 129-2784। रजिस्ट्रेशन नंबर 320-5699, परीक्षार्थी का नाम बैजयंत जय पांडा, विद्यालय और परीक्षा केंद्र गुरुदेव आदर्श उत्तर माध्यमिक विद्यालय नदौड़ा फरुखाबाद और रोल नंबर 128-7343। रजिस्ट्रेशन नंबर 320-3154, परीक्षार्थी का नाम मिलिंद देवड़ा, विद्यालय और परीक्षा केंद्र लाल बहादुर सिंह इंटर कॉलेज कनकापुर फर्रुखाबाद और रोल नंबर 129-2760। शिक्षा के दलालों को बेनकाब करने के लिए हुए स्टार न्यूज कोबरा पोस्ट के ऑपरेशन में तीनों सांसदों के नाम माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय में न सिर्फ नियमित छात्र के तौर पर दर्ज हुए बल्कि परीक्षा देने के लिए यूपी बोर्ड से प्रवेश पत्र भी जारी हो गए। यूपी बोर्ड में अंधेर कर दी ऐसी कि ना तो किसी के नाम पर नजर गई और ना ही सांसदों की फोटो पर। हमारे इस खुफिया ऑपरेशन में सौदा तय होने के बाद शिक्षा के सौदागरों ने सांसदों को अपना छात्र बताकर पहले तो उनका पंजीकरण कराया और फिर बतौर नियमित छात्र स्कूल की तरफ से उनका ब्यौरा बोर्ड को भिजवाया। बोर्ड ने भी नाम, उम्र और फोटो की अनदेखी कर परीक्षार्थी के तौर पर जारी कर दिया सांसदों की फोटो के साथ उनका एडमिट कार्ड। यूपी बोर्ड के हाईस्कूल इम्तहान के लिए बनाया एडमिट कार्ड वो दस्तावेज है जिससे छात्र हो जाता है परीक्षा में बैठने का हकदार। एडमिट कार्ड पर लगी फोटो से चेहरे का मिलान कर छात्र को परीक्षा केंद्र में घुसने दिया जाता है। यूपी में इस बार जब हाईस्कूल की परीक्षाएं हुई तो एडमिट कार्ड में भी नकल के सौदागरों ने की जमकर हेराफेरी। नकल माफिया का नेटवर्क जालसाजी कर यूपी बोर्ड से एडमिट कार्ड बनवाने में कामयाब तो रहा ही, वो एडमिट कार्ड मिलने के बाद भी फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आया। हाईस्कूल की परीक्षा को अपने लिए कुबेर का खजाना मानने वाले नकल के ठेकेदारों ने तीनों सांसदों के नाम से जारी हुए एडमिट कार्ड की फोटो बदलकर किन्हीं और से परीक्षा दिलवा दी। रकम लेकर यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में पास होने की गारंटी लेने वालों ने बड़ी चालाकी से राज्य में अपना जाल बिछाया था, लेकिन स्टार न्यूज कोबरा पोस्ट के इस ऑपरेशन में इस बार वो खुद ही फंस गए। स्टार न्यूज के लिए कोबरा पोस्ट संवाददाता के आशीष की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और कोबरा पोस्ट का ऑपरेशन मास्टरमाइंड और हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जो पूरा नकल का धंधा चल रहा है इसके मास्टरमाइंड कौन है, कौन है वो शख्स जो कुछ पैसे लेकर बिना परीक्षा में बैठे कर रहे हैं इन तीन सांसदों को पास। छोटे से ब्रेक के बाद